बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा और अब वो चेयरमैन बने हैं टाटा ट्रस्ट के। नोएल टाटा, आपको बताते चले कि सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए। रतन टाटा के उत्तराधिकारी नोएल टाटा बने हैं और इसका जिक्र अखबारों में भी किया गया। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया गया और इसे लेकर पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन और आपको ये भी बताते चले कि रतन टाटा सौतेले भाई हैं उनके और ऐसे में ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। देखिए, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा की इस बीच एक प्रतिक्रिया भी सामने आई। टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई का अनूठा माध्यम है। रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, विकासात्मक परोपकारी पहल के लिए समर्पित हैं, नई जिम्मेदारी से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो देखिए, पहले ये सवाल उठ रहा था कि अब ये जो टाटा की विरासत है उसको कौन संभालेगा, क्योंकि उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। ऐसे में चार नाम लगातार दौड़ रहे थे और आखिरकार मुहर लगी नोएल टाटा के नाम पर। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे। 67 साल के नोएल को शुक्रवार को ही बैठक में टाटा ट्रस्ट की अगुवाई के लिए चुना गया। अब तक के अपने प्रतिष्ठित भाई रतन टाटा की छत्रछाया में काम करने के बाद अब नोएल के पास में टाटा ट्रस्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी। टाटा सन्स ने शुक्रवार शाम आधिकारिक बयान में नोएल को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुने जाने की पुष्टि भी की। नोएल टाटा ट्रस्ट के परिवार से पांचवें और कुल आठवें चेयरमैन होंगे। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। टाटा ट्रस्ट में मोटे तौर पर सर रतन टाटा ट्रस्ट एंड एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट शामिल हैं। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 65.9% हिस्सेदारी है और 12.87% जो हिस्सेदारी वो टाटा ग्रुप की कंपनीज के पास है, जबकि लगभग 18.5% जो हिस्सा है वो मिस्त्री परिवार के पास है। नोएल चार दशक से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। टाटा ट्रस्ट के उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम सबसे आगे था। हालांकि रतन टाटा के विश्वासपात्र महली मिस्त्री को लेकर भी अटकलें थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महली टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और अब उन्हें स्थायी ट्रस्टी बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। मालूम हो रतन टाटा की बुधवार रात को उनका निधन हो गया था। उसके बाद सभी ने उनको नम आंखों से विदाई दी। एक तरफ जहां उनके जाने के बाद जो खालीपन एक सामाजिक तौर पर आया है वो कभी भरा नहीं जा सकेगा, लेकिन उनके जाने के बाद में उनकी विरासत को संभालने के लिए नाम उनके सौतेले भाई का चुना गया है।